हिंदुस्तान इधर, पाकिस्तान उधर, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इधर 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 आ जा, हिंदी वाले सामने आ जाओ, सब इधर आ जाओ। हिंदी में समझ नहीं आती नहीं, पाकिस्तान। सुंदर गोपाल गेटिंग वॉइस, इधर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी उन्होंने नहीं लगाया तो तुम अंग्रेजी में कर रहे हो? हरे कृष्णा वेस्टर्न डेवलपिंग, यू हैव सम हेडफोन श्यामा? फोन चोरी हो गया। फोन चोरी हो गई? इतने लोगों का बहुत चोरी, इस बार चोरी ज्यादा हुई ना, बहुत। जयपुर के भी कह रहे थे सुंदर वाले, 7-8 लोगों के फोन चोरी हो गए। सोने की चैन। हरे कृष्णा हरे मृदंग के ऊपर, मृदंग के ऊपर। ओके ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जोर से बोलो हरे सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही है पीछे तक? हाँ, देखो हम लोग ने गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है रेमुणा। क्या नाम है? रेमुणा। रेमुणा, रेमुणा मतलब क्या है? रेमुणा मतलब होता है रमणीक, बात सुंदर। रेमुणा मतलब जो रमणीक की बात सुंदर है, है? इसलिए यहीं पर भगवान रामचंद्र भी जब उनको वनवास हो गया था, भगवान राम लक्ष्मण सीता भी यहीं पर आए थे। राम लक्ष्मण सीता यहीं पर आए थे। जब यहीं पर आए थे उन्होंने तो बहुत सारी जगह पर ठाकुर जी घूमे, जब यहीं पर आए ये स्थान बहुत उनको बढ़िया लगा, क्योंकि स्थान का नाम है रेमुणा, रमणीक से सुंदर से ये नाम स्थान का नाम रेमुणा नाम पड़ा। यहीं पर राम लक्ष्मण सीता कुछ दिन तक वनवास में यहीं पर रहे, रह करके अभी हम एक स्थान पर जाएंगे। एक दिन माता सीता की मन में इच्छा हुई मैं स्नान करूंगी, लेकिन यहाँ के लोग का कहना है जैसे कभी आप लोग माताएं कभी अपवित्र होती हो, अपवित्र को बाद में चार दिन को बाद में स्नान करती हैं, कभी मैया सीता ने प्रभु राम से बोले मैं पवित्र स्नान करना चाहता हूँ गंगा में, गंगा में मैं स्नान करना चाहती हूँ। तो भगवान ने देखो यहाँ पर छवि देखो, ऊपर में देखो छवि के देखो, भगवान राम ने उन्हें 7 बार उन्होंने बाण उठाया, अपना धनुष बांध लिए, उन्हें 7 बार उन्होंने तीर को मारे हैं। जो उन्हें 7 बार तीर को मारे, गंगा 7 धारा से गंगा यहाँ प्रकट हुई। कितना धाराओं से? 7 धारा से प्रकट हुई। इसलिए अभी हम जाएंगे, इसलिए वो नदी का नाम पड़ेगा सप्तसरा। सर मतलब होता है तीर, उड़ीसा भाषा में जो सर तीर को सर कहते हैं, इसलिए उन्हें 7 बार उन्हें तीर मारे थे, गंगा 7 धारा से प्रवाहित तो हुई। लेकिन अभी थोड़ी सी केवल चिन्ह स्वरूप, क्योंकि तृतीया युग में भगवान आए थे, हैं तृतीया युग में आए थे, केवल वहां पर केवल एक चिन्ह स्वरूप में एक तालाब रह गया है, हैं इसलिए गंगा जी वहां से प्रकट हुए। इसलिए हम लोग वहां पर जाएंगे। उसके बाद में मैया सीता बली मैं शंकर पार्वती को भी दर्शन करना चाहती हूँ। वहां पर शंकर पार्वती स्वयं वहां पर प्रकट हुए, हम दर्शन करेंगे अभी वहां पर जा करके कैसे शंकर पार्वती वहां पर प्रकट हुई, माता सीता ने कैसे उनको भी दर्शन किए है। अभी जिस ठाकुर जी को हम दर्शन करने के लिए आए, देखो कितना कष्ट किया, रात भर सोए नहीं ना, नींद आई ठीक से नहीं आई, रात भर सोए नहीं, इतना पैसा खर्चे किया बस में हिलते डोलते। अभी प्रश्न है यहाँ पर हम आए क्यों? कहते यहाँ पर एक ठाकुर है, ये ठाकुर का नाम है खीर चोरा गोपीनाथ।
क्या नाम है? खीर चोरा। खीर चोरा गोपीनाथ है। कहते भैया हमारा घर में भी तो ठाकुर है कि नहीं? तुम लोगों को घर में ठाकुर जी बताओ है कि नहीं? घर में लड्डू गोपाल राधा कृष्ण तुम्हारी घर में भी है। फिर हम लोग इतने कष्ट करके फिर यहाँ पर क्यों आए? अपना घर में ठाकुर को तो देख लेती, लेकिन फिर इतने कष्ट करके रात भर सोए नहीं खाए नहीं हैं, और इतना पैसा खर्चा करके फिर इनको क्यों दर्शन करने के लिए आए? ये चीज को समझो। इसलिए शास्त्र में बताया जो ठाकुर जी जितने बड़े महापुरुषों को द्वारा स्थापित की जाती हैं वो ठाकुर का उतना महत्व। जैसे वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन बांके बिहारी राधा वल्लभ क्यों दर्शन करने जाते हैं? तुम्हारी घर घर में तो ठाकुर है। कहते नहीं, वो जो ठाकुर है ना ये बड़े बड़े महापुरुष लोगों ने वो ठाकुर जी को स्थापन किया है, इसलिए उसका उतना महत्व है। जितने बड़े संतों को द्वारा ठाकुर स्थापन की जाए वो ठाकुर जी के उतने महत्व है। अभी प्रश्न है फिर ये जो ठाकुर को देखने के लिए आए हो इसको किसने स्थापन किया? कहते यहाँ पर बड़े बड़े संत लोग तो ठाकुर को प्रकट करते हैं, लेकिन ये ठाकुर को जो प्रकट किया ना स्वयं ठाकुर ठाकुर जी को प्रकट किया, स्वयं ठाकुर जी को प्रकट किया। बोले कैसे? ये कथा सुन लो, अच्छे तरह से सुन लो, ये ठाकुर जी का कितना महिमा, क्यों इतने दूर से हम कष्ट करके यहाँ पर आए हैं। बोले जब भगवान राम को वनवास हो गया, जब भगवान राम पंचवटी में रहते थे, कहाँ पर रहते थे? पंचवटी में। अक्सर करके भगवान ने कोशिश किया साधु संतों को आश्रमों के पास में रहने के लिए, क्यों? वहां पर संतों का वाणी सुनने को मिलेगा, सत्संग मिलेगी, हरि कथा मिलेगी। इसलिए उन्होंने क्या, किसने क्या किया, कोशिश किया साधु संतों को आश्रम को पास में रहने के लिए। और साधु संतों का आश्रम में पहले गैया पलते थे, गैया सेवा करते थे, गो सेवा करते थे साधु संत। इसलिए एक दिन भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों बैठे हुए थे, बड़े जोर से आंधी तूफान आई, आई तो वहां पर गौशाला में जितने गैया थी ना वो सारे गैया इधर उधर भागना शुरू किया, भाग दौड़ करना शुरू किया। और भगवान राम उसको देख करके ना ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, इनकी मुस्कुराहट देख करके मैया सीता ने बोले प्रभु अब क्यों हंस रहे हो, मन मन में क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले नहीं कोई बात नहीं। बोले नहीं बात तो जरूर कुछ होगा, अब तो ऐसे मुस्कुराओगे नहीं, कब मुस्कुराएंगे? तुम्हारे मन में कुछ भावना होगा तो तुम मुस्कुराओगे, ऐसे थोड़ी मुस्कुराओगे, पागल थोड़ी है। इसलिए अब मुस्कुराने का भी तो कुछ कारण होगा। तब भगवान राम ने खुद बताया, वे देख सीते मैं द्वापर युग में नंद के लाला बन करके जन्म लूंगा, ग्वाला कुल में आऊंगा है, और मेरे पिताजी का नाम होगा नंद और मैया का नाम क्या होगा? यशोदा। और मैं गैया चराऊंगा, ग्वाला घर में आऊंगा ना, गैया चराऊंगा, जानते हो कितने गैया? 900,000 गैया में चराऊंगा। और ये अवतार में तो तू केवल अकेली मेरे पत्नी है, लेकिन जब मैं रामावतार में लेकर के आऊ, कृष्णावतार लेकर के आऊंगा, मैं तो एक तो राधा रानी रहेगी, फिर ललिता विशाखा चंपक लता तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा रंगा देवी सुदेवी 8 मेन सखियां रहेंगी, फिर कितने मंजरियां। और जब फिर मैं रास करूंगा ना है 100 करोड़ गोपियों को साथ में रास करूंगा, कितने गोपियां? 100 करोड़ गोपियां। फिर जब मैं द्वारका जाऊंगा वहां भी 16,108 पटरानियां बनेंगी। बोले प्रभु आप इतने शादी करोगे? बोले आप इतने शादी करोगे? बोले हाँ मैं कृष्ण अवतार में इतने में शादी करने वाला हूँ। तब मैया सीता ने भगवान राम से बोले आप थोड़ी सी कृपा करके द्वापर युग में आपका रूप कैसा होगा थोड़ा मेरे को दिखाओगे? द्वापर युग में आपका रूप कैसे मेरे को थोड़ा दिखाओगे? बोले ठीक है 7 दिन को बाद में मैं तेरे को दिखाऊंगा। भगवान राम ने एक गुफा को अंदर में प्रवेश किया और जो उनका तीर था ना, तीर एक शिला के ऊपर में, एक पत्थर के ऊपर में
भगवान ने अपना तीर से कृष्ण मूर्ति बनाया है, और उन्होंने कृष्ण मूर्ति उसमें कुछ ग्वाल वाल हैं, कुछ उसमें गोपियां हैं, उसमें है फिर उनका सखाओं का मूर्ति बनाए। फिर भगवान ने क्या किया, उसमें चारणों मुष्टि को कैसे युद्ध कर रहे हैं उसको भी बनाया, एक पत्थर के ऊपर उन्होंने बनाया। लेकिन अभी चार दिन हुआ है, लेकिन मैया जो सीता है ना छटपट छटपट कर रही थी, ये द्वापर युग में इनका रूप कैसे होगा, इनका रूप कैसे होगा। जब चार दिन हुई मैया सीता ने बोली, प्रभु कंप्लीट हो गया कि नहीं, अभी मेरे को दर्शन कराओ, हाँ मेरे को सहन नहीं हो रहा है, अब कैसे दर्शन कराओ। ठीक है बन गया करके बन गया, तेरे को मैं दर्शन कराता हूँ। फिर भगवान राम ने फिर उसी ठाकुर जी को ला करके उन्होंने मैया सीता को दर्शन कराया। जब मैया सीता देखा कृष्ण मूर्ति, भगवान राम ने तीर से जो मूर्ति बनाया बड़ा सुंदर कृष्ण मूर्ति था, बोले मैया सीता बोले, प्रभु आप और इनमें कोई तो फर्क नहीं दिख रहा है। बोले हम थोड़ी दो थोड़ी, हम तो एक ही है, तृतीया युग में रामावतार लेकर के आया, द्वापर युग में मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा, हम थोड़ी अलग थोड़ी है, हम तो एक ही है, लेकिन लेकिन थोड़ी फर्क भी दिख रहा है। बोले क्यों, बोले आपका हाथ में तो धनुष बाण है और इनको हाथ में क्या है, मुरली बांसुरी है, आप तो सीधा दिख रहे हो, लेकिन ये तीन जगह से टेढ़े दिख रहे हैं। कितने जगह से टेढ़े, तीन जगह से टेढ़े, लेकिन आपका जो आंखें है ना ये बड़ा गंभीर है, लेकिन इनका आंखें ना बड़ा चंचल है। बोले अब इनका आंख चंचल क्यों, बोले मेरे 100 करोड़ गोपियां होंगी ना, एक पत्नी होता है एक तरफ में देखे, और जिसका 100 करोड़ गोपियां होगी अभी सबको तो देखना पड़ेगा ना, इसलिए इसलिए मेरे आंख का आंख मेरी चंचल है। इसलिए तब फिर उसी जो विग्रह को मैया सीता ने बोली, बोले प्रभु अगर आपका आदेश हो फिर ये ठाकुर को मैं पूजा कर सकती हूँ। बोले कोई बात नहीं, तुम ये ठाकुर को पूजा करो। मैया सीता ने प्रकट किसने किया ठाकुर जी को, बोलो किसने बनाया ठाकुर जी को, भगवान राम ने है, क्योंकि हम तो भगवान को देखे नहीं, लेकिन जब ठाकुर ने ठाकुर को बनाया फिर हम इनको देख कर हमको पता चलेगा कृष्ण सचमुच से भगवान कृष्ण कैसे थे, हाँ भगवान भगवान को बनाया ना, इसलिए ये मूर्ति देखने पर पता चलता है। फिर मैया सीता ने ये ठाकुर जी को पूजा की, जब पूजा की फिर जब ऋषि मुनियों ने आकर के बोले, प्रभु वहां पर दैत्य लोग बड़े उत्पीड़न कर रहे हैं, वहां पर चलो दैत्यों को मारने के लिए। फिर भगवान राम ने क्या की, छोड़ करके भगवान राम चले गए। जब चले गए लेकिन अभी जो ठाकुर हो गए अकेले, लेकिन नियम होता है जब एक बार श्री ठाकुर जी को सेवा पूजा करो प्रारंभ कर दो, पर ठाकुर को सेवा पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, उनको कंटिन्यू भोग लगनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, लेकिन उनको तो छोड़कर चले गए। अभी ये ठाकुर का सेवा पूजा कौन करेगा, अभी ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से उतर करके रोज आते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से उतर करके रोज आते हैं, और ये ठाकुर जी को ब्रह्मा भी कुछ दिन तक पूजा की। जब वो पूजा हो रही थी एक बार इसी उड़ीसा के एक राजा थे, उनका नाम था श्री लांगुला नरसिंह देव। क्या नाम था, लांगुला नरसिंह देव राजा। ये भ्रमण करते 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 जब चित्रकूट में पहुंचे तब उन्होंने ये ठाकुर जी को देखा, भैया बड़े सुंदर ठाकुर जी है, बड़े सुंदर ठाकुर जी। बोले भैया इतना सुंदर ठाकुर, उनको कोई पूजा सेवा नहीं हो रहे, लेकिन उनको पता नहीं था ब्रह्मा जी रोज आकर के उनको पूजा सेवा करते हैं। उन्होंने सोचा शायद ठाकुर को पूजा सेवा हो ही नहीं रहे, इतने सुंदर ठाकुर जी, चलो हम इसको उड़ीसा ले चलेंगे। फिर वो राजा ने चित्रकूट से ये ठाकुर जी को यहाँ तक ले आए। जब यहाँ तक ले आए, आगे ले जा रहे थे पूरी तक, इतने में ठाकुर जी को जब यहीं पर रुके
यहाँ पर बड़ा सुंदर था, पेड़ पौधा लता पता। पहले यहाँ पर कुछ ग्वाला लोग रहते थे। कौन रहते थे? ग्वाला। यहाँ पर खुद दूध दही था। कृष्ण तो मक्खन चोर है ही है, वो तो दूध दही खाने पीने वाले। अभी उन्होंने राजा को सुमन दिया, यहाँ पर मेरे जात का भक्त लोग हैं, ग्वाल बाल हैं, और यहाँ पर बहुत दूध, अगर यहाँ रहूंगा दूध दही मक्खन मेरे को मिलेगा, मेरे को यहाँ से मत ले जाया करो, मेरे को यहीं पर रख दिया करो। फिर उन्होंने ठाकुर जी को उन्होंने यहीं पर रख दिया, और ठाकुर जी को पात्र में खीर भोग लगता था, जिसमें काजू किशमिश डाल करके बड़े सुंदर दूध को गर्म करते 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 दूध को गर्म करते करते जैसे राबड़ी बन जाती है ना, ऐसे ही बड़ी सुंदर खीर भोग लगता था है ठाकुर जी को। रोज ठाकुर जी के ही खीर भोग लगते थे ठाकुर जी को। खैर जब यहीं पर श्री माधवेंद्रपुरी आए है, आप लोगों को पता माधवेंद्रपुरी का था। जब माधवेंद्रपुरी को ठाकुर ने स्वप्न दिया, गोपाल जी स्वप्न दिया, देखो मैं बड़े दिनों से मैं पड़ा हुआ था जंगल में है, मेरे शरीर में बड़ा ताप हो रहा है, तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से मल ये चंदन लाओ, बड़ा सुंदर चंदन है, उसको शरीर में लगा तो बड़ा ठंडक होता है, वो स्पेशल चंदन है, इसलिए मलयल चंदन लाओ और उसको घीस करके मेरे को लगा है। जब वो जा रहे थे कुछ दिन यहीं पर रुके, यहीं पर रुके, तो जब यहीं पर उन्होंने रुके तब उन्होंने पूछा भैया ठाकुर जी को यहाँ पर क्या भोग लगता है, बोले खीर भोग लगता है, उसका नाम है अमृत केली। क्या नाम है? अमृत केली। अमृत केली सचमुच से जो खीर है ना अमृत जैसा, अभी भी हम थोड़ी थोड़ी खाएंगे, आप देखोगे जीवन में बहुत खीर खाए होंगे लेकिन ऐसे खीर कभी जिंदगी में नहीं खाओ, कभी ऐसे खीर नहीं खाए होगे, इसलिए बोले उसका नाम है अमृत केली। अभी इनके मन में इच्छा हुई अगर थोड़ी सी इसकी स्वाद मेरे को पता चलता तो मैं भी जाकर के अपना ठाकुर को ऐसे भोग लगाता। फिर उन्होंने सोचा ठाकुर जी को भोग लगाई नहीं, फिर ठाकुर जी के खाने में मेरे लोभ हो गया, ये गंदी चीज है, ये मेरी अपराध हो गई है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा उसको खाने से पहले मेरे भोग हो गए, इसलिए उन्होंने प्रणाम करके अभी हम जगह पर जाएंगे वो वहीं पर चलेंगे। जब चले गए ठाकुर जी ने क्या किया देखो, उनको 12 जो मिट्टी का पात्र में भोग लगता था, ठाकुर जी भक्त के लिए उन्होंने एक मिट्टी का पात्र को उन्होंने अपना कपड़े को अंदर में छुपा दी, लेकिन जो पुजारी थी उनको पता नहीं चला माया से, उन्होंने सोचा मैंने सब उठा करके ले गया, लेकिन ठाकुर जी एक को अपना कपड़े को अंदर में छुपा करके रख दी थी। जब पुजारी जी रात को सो गया ना, ठाकुर जी उसको स्वप्न में आए, बोले पुजारी जी उठो, पुजारी जी उठो, मेरा एक भक्त वृंदावन से आया है। कहाँ से आया? वृंदावन ब्रज से एक भक्त आया जिसका नाम श्री माधवेंद्रपुरी। मैंने एक सपड़ को, मैंने एक कुल्लड़ को मैंने अपना कपड़े में छुपा करके रखा, लेकिन मेरी माया के वजह से तेरे को पता नहीं चला, एक काम करो ये खीर ले जाओ और लेकर को हाट में बैठा हुआ है, हाट में, हाट में तो मार्केट है, वहां पर जहाँ पर हाट लगती थी, मार्केट लगती थी, वहां पर बैठा हुआ भजन कर रहा है, ये खीर उनको लेकर के दे देना। जो पुजारी थी जल्दी जल्दी उठे, भैया ऐसे कौन सा ठाकुर भक्त आए हैं ठाकुर जी जिनके लिए खीर चोरी किया है। फिर उन्हें जल्दी जल्दी उठे, उठ करके घर ठाकुर जी घर में गए और देखा सचमुच से ठाकुर को कपड़े को नीचे ठाकुर जी एक तुल्लड़ खीर छुपा करके रखे है। फिर उन्होंने वो खीर को लेकर के गए वो हाट बाजार में और बोले भैया कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी यहाँ पर जिनके लिए ठाकुर जी स्वयं खीर चोरी किया है, कौन है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी भजन कर रहे थे है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे, जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। त्रिभुवन में तुम सब के लिए ठाकुर जी खीर चोरी किए, तो उन्होंने वो खीर दिया, फिर उन्होंने खीर को खाए, बोले भैया सवेरे होते ही तो हाँ ये पुजारी सबको बोल देगा भैया एक संत आए हैं जिनके लिए ठाकुर जी खीर चोरी किया है, फिर सारा दुनिया मेरे को दर्शन करने के लिए आएगा हैं, मेरे को भजने में बाधा होगा, फिर तो यहाँ भाग करके छोड़ पा रात रात भाग गए कहाँ पुरी। लेकिन वो पुरी पहुंचने से पहले वहां जगन्नाथ जी स्वप्न दिया राजा को, बोले महाराज एक मेरा संत आ रहे हैं ब्रज से, वो मलय चंदन लेना चाहते हैं, इसलिए आपको उनके लिए मलय चंदन की व्यवस्था कर देना। राजा बोले भैया ऐसे कौन सा संत आ रहे हैं, और जगन्नाथ जी मेरे को स्वप्न दिया। उस पुरी में पहुंचने से पहले है ना राजा ने उनके लिए आरती की थाला फूलों की माला लेकर के स्वागत करने के लिए वहां खड़े रहे हैं, उनको स्वागत की फिर उनको अभ्यर्थना की। इसलिए जब ये ठाकुर जी उन्होंने चोरी किया खीर को, पहले इनका नाम था गोपीनाथ, क्या नाम था गोपीनाथ, लेकिन जब उन्होंने खीर चोरी किया ना इनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ, क्या नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। देखो एक चोर को अगर चोर बोल दोगे ना सत करेगा, एक जो चोर को अगर तुम चोर बोलोगे बिगड़ जाएगा है, मेरे तो चोर बोल रहे हो, लेकिन ठाकुर जी को दुनिया क्या कहता है खीर चोरा गोपीनाथ चोर चोर चोर, लेकिन ठाकुर जी खुश हो ठाकुर जी प्रसन्न बोले हाँ मैंने तो चोरी की है, लेकिन चोरी मैंने किसके लिए किया, मैंने मेरे अपना भक्त के लिए चोरी किया है, भक्त के लिए मैंने चोरी किया, भगवान भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं है? हमारे उड़ीसा में बड़े सुंदर सुंदर भजन है, बोले भगवान तो भक्त के लिए सब कुछ भक्त के लिए करते हैं, इसलिए ये ठाकुर का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। बोले श्री खीर चोरा गोपीनाथ की, जोर से बोलो बोले खीर चोरा गोपीनाथ की जय। इसलिए हम लोगों ने ये ठाकुर का दर्शन करने पर साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल मिलेगा, साक्षात कृष्ण दर्शन, क्यों भगवान राम ने अपने हाथों से ठाकुर जी को बनाए, इसलिए हम रात भर सोए नहीं है, जगे रात भर इतने कष्ट करके ये ठाकुर को दर्शन करने के लिए आए, समझो आपको आना यहाँ पर सार्थकता हो गया, क्यों ठाकुर जी को जो बनाया वो ठाकुर जी का आप दर्शन करोगे, ठीक है। बोले श्री खीर चोरा गोपीनाथ की, यहाँ पर श्री रसिकानंद प्रभु कहते ये भगवान की अवतार है, रसिकानंद भगवान की अवतार है, हैं? कहते यहीं पर उन्होंने हरिनाम करते करते भजन करते करते उन्होंने दौड़ दौड़ कर गए और जा करके इसे ठाकुर के अंदर में समा गए, ये ठाकुर जी के अंदर में ही समा गए थे, क्योंकि जो रसिकानंद है वो भगवान का अवतार, उनका समाधि स्थल भी यहीं पर है, हम दर्शन करेंगे ठाकुर को दर्शन करते हुए, फिर उनकी समाधि स्थलियों को दर्शन करेंगे। जिसने हाथी को भी अपना चेला बना दिया, जिस समय रसिकानंद प्रभु प्रचार कर रहे थे उन्होंने इतना इनकी प्रभाव था प्रचार का, सारा दुनिया को संत बना रहे थे, सारा दुनिया को ये संत बना रहे थे, इतने में एक मुसलमान हैं, एक मुसलमान जो राजा था उसने जब देखा हिंदू धर्म तो बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू धर्म तो बढ़ते जा रहे हैं, ये तो सारा दुनिया को साधु बना रहे हैं, एक बार क्या हुआ बोले इसको मजा चखाते हैं, ये स्नान कर रहा था, ये पास में एक नदी में स्नान कर रहा था, राजा ने क्या किया एक पागल हाथी को उनको छोड़ दिया मारने के लिए हैं, पागल हाथी को छोड़ दिया बोले इसको खत्म कर दो, लेकिन रसिकानंद प्रभु स्नान कर रहे थे कहां पर नदी में, इतने में रसिकानंद प्रभु उठाया उन्होंने पानी कहां का नदी का पानी, वो पानी लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब उनने पानी को लेकर के हाथी के ऊपर छोड़ दिया ना, वो हाथी भी दो पैर उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। उसको कान में गोपाल मंत्र दे दिया, हरे कृष्ण मतचिला बना दिया है, उसको कान में मंत्र दे दिया और उसका नाम रख दिया, तुम्हारा नाम आज से है कृष्ण दास है। क्या नाम है? चला बना दिया हाथी को उन्होंने, चला तेरा आज से तेरा नाम कृष्णदास और जा प्रचार करो कृष्ण भक्ति। वो हाथी को छोड़ दिया, फिर वो हाथी ने गया जंगल में हैं और उसने भक्ति को प्रचार किया। हम तो इंसान को प्रचार करते तभी इंसान हरि नाम नहीं करते, उसने हाथी को चेले बनाकर बोले जाओ तुम भी प्रचार कर, तुम भी चेला बनाओ। वो हाथी ने गया जंगल में और जितने हाथी थे ना सारे हाथी को बुला कर ले गया, बोले चलो गुरु जी के पास में कृष्ण मंत्र लेना है, गुरु जी के पास में कृष्ण मंत्र लेना, सारा हाथियों को उनने चेला बना दिया। और रसिकानंद प्रभु के पास में आए और इन्होंने सब हाथियों को चेला बना दिया है, इसलिए ऐसे इनकी प्रभाव थी। और एक समय एक बहुत बड़ा जोगी था, जब उसने सुना कि रसिकानंद प्रभु हाथियों को, पागला हाथी जो था ना चेला बना दिया, गोपाल दास नाम रख दिया है, कृष्णदास गोपाल दास नाम रख दिया और बड़ा प्रभाव हाथियों को भी उन्होंने चेला बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा जोगी था है। बोले मैं क्या कम हूँ, मैं भी उसको दिखाऊंगा, मैं भी उसको अपना जोग का सिद्धि दिखाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, उसने एक एक चित्ते के ऊपर में बाघ के ऊपर में बैठ कर आया है, बाघ को ऊपर में जीवन तक बाघ को, वो बहुत बड़ा जोगी था, बाघ को कंट्रोल करके उसको पीठ के ऊपर बैठ कर आया, उसको दिखाने के लिए तू क्या करते हो, मैं भी देखे बाघ को मैंने चेला बनाया। तब उनका शिष्य दरवाजा में था और बोले अंदर में रसिकानंद प्रभु है, बोले हाँ, बोले थोड़ी सी गुरु जी को जाकर के बोल दो एक कोई जोगी आया है। उसने जाकर के बोला गुरु जी एक बहुत बड़े कोई जोगी एक जीवंत एक है एक बाघ को ऊपर बैठ करके आया। गुरु जी समझ गए, गुरु जी बैठे हुए थे दीवाल के ऊपर, रसिकानंद प्रभु एक दीवाल के ऊपर बैठे हुए थे है, इतने में वो अपना दांत तुंड कर रहे थे, इतने में वो दीवाल को बोले भैया तुम चलो, वो जो दीवाल था ना मिट्टी का, वो मिट्टी का दीवाल चलना शुरू कर दिया है, वो मिट्टी का दीवाल चलना शुरू कर दिया। वो जो जोगी देख करके तो अक्के बक्के चके रह गए, बोले भैया मैं तो अगर जीवंत एक बात को मैंने है उसको पर पीट कर बैठ कर आया, ये तो मिट्टी के ऊपर में दीवाल को उन्होंने जान दे दिया है, दीवाल को उन्होंने प्राण दे दिया। उन्होंने देख करके उसने उतर गया, उतर करके उन्होंने श्री रसिकानंद प्रभु के चरण में प्रणाम किया, बोले मेरे प्रभु अपराध हो गया है माफ कर दो है। वही रसिकानंद प्रभु यहीं पर बैठ करके भजन कर रहे थे, करते करते उन्होंने अंदर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही ठाकुर जी को शरीर में ही उन्होंने मिल गए, ठाकुर जी को शरीर में उन्होंने मिल गए। जब दौड़ कर गए उनका जो दोपड़ा था चदर था, वो चदर यहीं पर गिर पड़ा, चदर गिर पड़ा तो और वो विष्णु तत्व है भगवान के अवतार है, इसलिए फिर वो चदर को लेकर के यहीं पर समाधि दिया। हम जाएंगे उनका चदर का जो समाधि को हम लोग ने दर्शन करेंगे और जहाँ पर भजन करते थे वहाँ भी हम दर्शन करेंगे। ठीक है, ब्रजरी खीर चुरा गोपीनाथ की, ब्रजरी माधवेंद्र पुरी पाद की, ब्रजरी रसिकानंद प्रभु की, गौर प्रेमानंद